Okay, so first of all, many, many congratulations for Gandii Baat. Thank you. I hope I've done my research right. So you people have done, you know, few things on TV. So just, you know, if you can quickly, Ashish, we'll start from you. Doing TV, few roles on TV, the reason behind, choosing Gandii Baat would be what for you? Yeah, it's not about Gandii Baat. Actually, mujhe OTT platform means ki web series ke sath debut karna hi tha aur main bahut hi ache platform ki मतलब कि नीड में था कि भाई कुछ अच्छा मिले और मुझे सीजन सेकंड से गंदी बात के लिए ऑफर आ रहे थे बट कुछ प्रोजेक्ट्स थे हाथ में जो कि बिजी था तो उसकी वजह से ना बोल रहा था एंड फाइनली जब मुझे सीजन फोर के एपिसोड के बारे में पता चला कि भाई कास्टिंग चली और मुझे खुद से कॉल आया एंड जब कास्टिंग का कॉल आया तो मैंने उस समय भी बोला कि यार नहीं अभी नहीं करूँगा बिकॉज आई वॉज सर्चिंग फॉर समथिंग बेस्ट लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरा बेस्ट होगा सो फाइनली उन्होंने स्टोरी के बारे में बोला कि भाई आओ एक बार मिलो मीटिंग करते हैं एंड जैसे ही मैं ऑफिस में गया नेहा ने मुझे स्टोरी बताया एंड दैट टाइम आई थॉट कि यार स्टोरी में ना इट्स नॉट लाइक गंदी बात टू बी वेरी फ्रैंक इट्स नॉट लाइक गंदी बात यार गंदी बात एक मिनट के लिए लोगों के चेहरे पे ही आ जाता है गंदी बात यार गंदी बात क्यों कर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है गंदी बात में स्टोरीज भी होती है इंटीमेट सीन्स के अलावा सो मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी और उसमें जो मेरा कैरेक्टर है प्ले करने के लिए जो मुझे मिल रहा था जब उसके बारे में नैरेशन मुझे मिला तो मैंने बोला यार करते हैं मतलब कि टी वी से तो कुछ हटके हैं बिकॉज टी वी एक आपको यू नो बाउंड्री मिलता है आपको कैरेक्टर जीने की भी बाउंड्री मिलती है बट यहाँ पे कैरेक्टर तो है आपको कैरेक्टर में रहना है लेकिन आपको फ्रीडम मिलता है कि आप जो कैरेक्टर के साथ इन्वेंशन कर सकते हो इनोवेटिव कर सकते हो वे में आप एक्ट करो अपने हिसाब से क्योंकि डायरेक्टर जो थे जो है हमारे सचिन सर उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें स्पेस दिया था कि यू प्ले योर सेल्फ जो भी कर सकते हो So what about you, ma'am? The same question. Well, first I was very reluctant to Gandii. I thought, pata nahi main kar paungi ya nahi kar paungi justice. So I was like, so you know, I was called for this special episode as well, and I wasn't too sure of doing it. So it did not happen due to some reason. And then the casting director called me like 3 to 4 times, and he messaged me. Finally, once he called me, and I was like, I have just told you. You know, I'm not sure if I want to do it. Then why are you calling me? He's like, ek bar ab narration le lo. Well, ab story sun lo, phir ab decide karo. I was like, haan, you know, he makes sense, you know. Sun lete story. जब उन नेहा जो हमारी क्रिएटिव डायरेक्टर है उसकी प्यारी प्यारी मीठी मीठी मधुर आवाज़ में जब उन्होंने हमें नरेशन दिया यू नो तो आई थिंक द स्टोरी लाइन इज समथिंग दैट हैज़ यू नो एंटाइस्ड मी टू डू दिस बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन एंड आई वॉज लाइक मोर देन हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट यू नो एंड बिसाइड्स दैट लाइक बींग अ पार्ट ऑफ यू नो two of all Balaji's top shows like I've done Boo Sab Ki Patigi and now this like in a span of 6 months so what more could I ask for and then because I was getting calls repeatedly you know my people told me that maybe that's a universe's call for you you've always been like cute bubbly choppy maybe you know this might change the game for you you know it's a different role it's a challenge for you so I thought I should take this up as a challenge and it's also the storyline that you know, entice me to do this. So, can you shed some light on the story and what characters you are playing? I mean, whatever is allowed. Okay, so I'm playing a character called Kanchan. She's a very soft-spoken girl and it's basically a love triangle. And, you know, she is a very strong-headed, I think honest. Honest because she expresses her desires with her husband, you know. जो चीज़ हमें आजकल नहीं दिखती है रिलेशनशिप्स में यू नो देर इज़ नो ट्रांसपेरेंसी इन रिलेशनशिप तो दैट इज़ समथिंग दैट आई लाइक अबाउट इट यू नो एंड शी इज़ यू नो शी इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन सो एक बहुत ही थिन लाइन मेंटेन करनी थी दैट इवन इफ इट्स इंटरमेट इट इज़ नॉट स्लीजी इट इज़ नॉट चीप इट इज़ नॉट वल्गर यू नो शी हैज़ टू लुक जेन्यून उस जरा सा भी 19-20 हुआ ना इट विल गो आउट ऑफ कैरेक्टर So that is something that I had to keep in mind even while performing and that is what was a challenge for me, you know. It's about a woman's desires, like when a woman expresses a desire, it's still considered a taboo. Like even if she expresses her desires with her husband, okay, you know, I like this, I don't like this, I like that. The husband will also have a doubt कि तुम्हें कैसे पता तुम्हें अच्छा तुमको इतना experience है oh okay he'll start judging her instead of accepting her and you know working on making things work out he will start judging her and pointing her at a character at her character you know so I think a woman's desires are constantly curbed even in today's society so but
yeah, so this is society that we are living in, that should not happen. You know, when a man does anything, if a man, you know, has 10 girlfriends at a time, he's macho, he's considered, array, like, you know, macho, ekdam Casanova, arewa. But if a woman is in a relationship, if it doesn't work out, if she moves on with somebody else, even then she's looked down upon. इसके तो इतने बॉयफ्रेंड है, वो इतने बॉयफ्रेंड अभी इसको डेट कर रही है. हाँ, मतलब एक गलत नज़रिए से देखते हैं. मतलब अभी डिवोर्स तक तो बात ही अलग है, मतलब वो तो एक अलग ही धब्बा स्टिग्मा है. बट इफ देयर आर यू नो सर्टेन रिलेशनशिप जो वर्कआउट नहीं होता, देन यू मूव ऑन विद समबडी एल्स और समथिंग एल्स, इवन देन यू लुक डाउन अपॉन. सो यू नो, सो दिस वुमन इज डिफरेंट, दैट्स ऑल दैट आई कैन से. I'm playing Prem character and he's totally confused. अपनी लाइफ में करना क्या है, बंदे को यही नहीं डिसाइड है. काम तो कर रहा है, लाइफ में क्या है, एक गोल होता है, मतलब करियर को लेके वो तो काम कर ही रहा है, बट उसके अलावा प्यार के मामले में बंदा टोटली कन्फ्यूज है. उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे प्यार तो है, बट उसे एक्सेप्ट करेगी या नहीं दुनिया. मीन्स यू नो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल उसका, मतलब कहीं ना कहीं हिली हुई है, टोटली हिला हुआ है बंदा. एंड जनरेशन गैप बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने जी का लास्ट शो किया था आपके आ जाने से, मैं उसमें भी यही था कि एक 42 इयर्स की औरत से एक 24 इयर्स का बंदा शादी करता है एंड समाज उसे बहुत गलत तरीके से देखती है. सो एग्जैक्टली वही चीज़ मुझे यहाँ पे करने के लिए मिला है. सो यहाँ पे मुझसे एज में, मीन्स प्रेम की एज में काफ़ी बड़ी लड़की होती है जो कि कंचन है. काफी बड़ी नहीं, अभी छोटी लग रही है, बट वहाँ पे कैरेक्टर में काफी बड़ी लगेगी आपको. काफी इन द सेंस फोर ईयर, चार साल या नहीं, दो साल. ओके ठीक है, जो बोल रही है सबा वो ओके है, ठीक है, 2 साल ले लो आप. सो कुछ भी है भाई, जनरेशन गैप है, 2 साल का भी बहुत होता है. ओके, सो समाज उसे गलत तरीके से लेती है और ये कन्फ्यूज्ड है कि लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मुझे क्या करना चाहिए, ये खुद नहीं समझ पा रहा है. एंड आफ्टर सम ईयर्स भी वो डिसाइड नहीं कर पाता है. इसी को लेके मतलब कि प्रेम का पूरा कैरेक्टर है, जर्नी है, और वो एग्जैक्टली देखा जाए तो पैशन, मतलब प्यार करने का एक उसके में पैशनेट वे भी है, यू नो, बहुत ज़्यादा. या वो समझ नहीं पाता कि मतलब कि दुनिया क्या बोलेगी, समाज गया भाड़ में, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना, मुझे मतलब ये पसंद है तो पसंद है, लोग क्या बोलेंगे. एक टाइम के बाद उसे ये रियलाइज़ होता है कि भाई अब मैं अपना डिसीजन ले सकता हूँ, दैट्स इट. समाज की आँख, माँ की आँख, मुझे ये करना है, दैट्स इट. सो प्रेम इस टाइप का कैरेक्टर. यू नो, आई जस्ट लाइक टू से वन थिंग, यू नो, जस्ट बिकॉज ही स्पोक अबाउट एज. सो व्हेन अ मैन, ओके, व्हेन अ मैन मैरीज अ वुमन हु इज मे बी 10 इयर्स यंगर टू हिम, मे बी 25 इयर्स यंगर टू हिम, बहुत सारे एग्जांपल है भाई समाज में. तो इट्स फाइन, इट्स फाइन. बट इफ अ गर्ल इज इवन डेटिंग अ गाय हु इज ओनली 2 इयर्स ओल्डर टू हर, दे लाइक, ओह, इसका बॉयफ्रेंड तो छोटा है, छोटा है यार. और कितने सारे एग्जांपल है यार, अभी बड़े बड़े नाम है इसमें, अगर हम इंडस्ट्री में ही उठा के देखें तो बड़े बड़े नाम आएंगे हमारे सामने कि ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं. So my next question is the meme of the web series. You have also said, you know, it plays a lot of eyebrows. Okay, so when you were choosing this project, and एक बहुत ही problem is in projects of the SVT कि लोग वो scenes पे ज़्यादा ध्यान देते, बहुत कम ऐसा होता है कि acting देखे. So when you people were choosing this project, जब ये thought obviously आपके mind में आया होगा, कैसे deal किया इसके साथ, and आपके family और friends का क्या reaction था? Well, most people think that गंदी बात के लिए acting की कोई ज़रूरत नहीं है, and it's just a skin show. और एक्टिंग परफॉर्मेंस कुछ नहीं, बट आई थिंक वो बहुत ही गलत है. ये गलत सोच, गलत फहमी है लोगों की. आई थिंक ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करना, इट्स द टफेस्ट जॉब ऑफ यू नो ऑफ एन एक्टर, फॉर एन एक्टर. सो यू नो, इंटिमेसी करने के लिए, लाइक यू नो, एन इंटिमेट पार्ट ऑफ योर लाइफ इज आउट देयर इन पब्लिक, यू नो, योर सो एंड परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, यू नो. So that's the toughest job. I think it needs a lot of guts, a lot of courage, and I'm happy that I have a lot of guts to do it. But I think even performance-wise, I think isme sabse zyada acting lagti hai jab aap acting nahi karte ho, you know. To have a subtlety to your character, to maintain a character, and keep it very subtle and natural, exactly, is the biggest challenge. And even while doing intimate scenes, you cannot go out of character and get wild or, you know, get sleazy or whatever. Yeah, you can't get carried away, and I think it needs a lot of guts, and it's all about, I think isme to double performance lagta hai, you know, people think it's not, but गंदी बात जैसा कुछ करना, it requires double performance, is what I feel. And yeah, I mean, you know, people like, there's some casting directors who are messaging me, oh,
you've done Gandii Baat 4, and they'll send me very dirty emoticons, you know, aise. I'm like, इसमें क्या गंदी बात है, मतलब इसमें बुरा क्या है, you know, it's a part of my job. And I just want to like ask them that, you know, if you think I deserve something better, that you're pointing fingers at me now, just want to know that where were you when, you know, why didn't you give me a job, why didn't you give me work, where were you when I needed work, you know. I'm not saying ke mujhe bas kaam de do, you're like casting for films day in and day out. I'm not saying ke kaam dilai do, mujhe fix kari do film mein, but ek audition pe to aap bulai sakte ho. Jab aap wo nahi kar sakte ho, then I don't think you're worth my time, you're not even worth my answers. So I think ignorance is bliss. एग्जैक्टली सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कॉन्फिडेंस और गट्स हमें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वो चीज़ करने जा रहे हो जो कि आज के मतलब इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यू नो लाइमलाइट में है कि गंदी बात गंदी बात. सो सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पे कि एग्जैक्टली आप करने क्या जा रहे हो. और अगर मैं अपने आप में सेटिस्फाइड हूँ कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो बेस्ट है, दैट्स इट. तो इससे ज़्यादा ना मुझे लोगों का सोचना है कि लोग क्या सोच रहे हैं, मेरी फैमिली क्या सोच रही है, बिकॉज आप इंडस्ट्री में आए हो, एक्ट करने आए हो, और आपका मुझे 6 साल हो गए इंडस्ट्री में. 6 साल में मेरे घर वाले हमेशा हर एक चीज़ में मुझे आगे किया है कि यार तू अच्छा कर रहा है, तू अच्छा कर रहा है. गंदा भी है तो भी वो बोल रहे हैं कि तू अच्छा कर रहा है. तो एग्जैक्टली अगर मैं कुछ गंदा भी किया हूँ, मतलब एक्ट वॉइस बोल रहा हूँ, नॉट इंटीमेट सेंस, अगर मैं एक्ट वॉइस भी गंदा कर रहा हूँ तो भी मेरे डैड बोलते हैं बेटा आई सॉ बहुत अच्छा लगा, तूने बहुत अच्छा किया. सो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लेवल मुझे बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है कि ये चीज़ें करूँ. और ये चीज़ करने से पहले भी मैंने मीन्स अपने भाई से एंड मेरे फ्रेंड से बात की थी, तो उन्होंने यही बोला कि यार आशीष तुझे अच्छा लगता है, तुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो. और टू बी वेरी फ्रैंक मैं ये सब नहीं सोचता हूँ कि एग्जैक्टली यू नो इंटीमेट सीन्स देने में डर लगेगा, ये होगा कि लोग क्या सोचेंगे यार मैं तो टीवी एक्टर हूँ, ये कर लूँगा उसके बाद टीवी में काम मिलेगा या नहीं मिलेगा. ये सब एक गलत थॉट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता. अगर आप एक्टर अच्छे हो, बढ़िया हो, सो आप हर एक बोलते हैं ना आग का दरिया डूब के जाना है, वो जो प्यार के बारे में कहावत है, तो भाई इंडस्ट्री भी वैसे ही है. मतलब एग्जैक्टली वैसा है, काम से काम मिलता है. और ऐसा नहीं कि गंदी बात में भैया बस इंटीमेट सीन्स ही हैं. आप अगर मैसेज स्टोरी देखोगे ना तो आपको वो सीन्स भी ना बहुत छोटे लगेंगे, आपको ऐसा लगे इट्स जस्ट पार्ट, यार स्टोरी दमदार है. सो सभी लोगों से लड़ना तो कुछ भी नहीं पड़ा, 0%, बिकॉज मैं एक्टर हूँ, वो मेरा चॉइस है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, दैट्स इट. How important were you for, do you make each other comfortable because you were performing a certain scene, so jab pehli baar mile the and ya fir do din ke baad aise scene shoot karne to kitna no, individual no. do din ke baad nahi first day only I had to kiss Amar, Amar also and Prem also. So I kissed. Kissed like I made out. I had intimate scenes with two boys on the same day, on the first day itself. So in one day I happened to like kiss two guys, and that was like, wow, that's the first time for me in life, you know. So Amar ke saath jo mere intimate scenes, I was playing my husband. So it was, I mean, fun, you know. I mean, fun in the sense ke first I was like, oh shit, I'm gonna kaise karna. Then it started, I was like, okay, now in it, so just let's do it, you know. And jaise wo khatam hua, I didn't even know you, like I just met you in the morning and in the evening I'm kissing you, like this is crazy, you know. And then we just started laughing after our kissing scene and we just gave a high five to each other, humne hansna chalu kar diya. But jab mera inke sath kissing so he pehle he warned me, he's like acha suno to mujhe sirf lip lock karna, hum sirf lip lock karenge aur aise 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 karenge, thoda fake karenge. Actually that was a wide angle shot, you know, to wo wide angle tha, to I thought yaar usme dikhega bhi nahi, so thoda sa comfortable ho jate because anyhow yaar हम नहीं जानते एक दूसरे को सेट पे, तो अभी तो नॉर्मली कर लेते ऐसे ऐसे, तो मुझे नहीं पता था कि डायरेक्टर सर का ध्यान जानते थे, बट वो एक शॉट में एक टेक में हो गया, वो एक टेक में हो गया. अब यार इंसान इंसान की बात है, या एग्जैक्टली नो नो. सो देन व्हाट हैपेंड, सो देन हमने जैसे कि देन सर वाज लाइक कट, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे किस कट. और मैंने कंडीशन पहले ही रखा था सबा को, अगर सर कट बोलेंगे उसके बाद अच्छे से करेंगे, पहले एक बार ट्राई करके देखते हैं. आई वाज लाइक आशीष, दोपहर में सर ने बोला जब मेरा अमर के साथ सीन चल रहा था, दैट ओपन योर माउथ एंड किस, ओपन योर माउथ, सो इफ यू डोंट ओपन योर माउथ दिस विल हैपन. सो हमने कर दिया, देन अगेन देयर वाज अनदर टेक एंड देन सर वाज लाइक यू जस्ट पाउंस ऑन हिम, जस्ट पाउंस. सो आई पाउंस. कोई नहीं, ऑडियंस को ये बोलना चाहते हैं यार आप लोग जब इंटीमेट सीन्स देखते हो
तो ये मत सोच के करना कि यार ये इंटरव्यू देखा था इसका, यार ये ऐसी बोली थी, मतलब इन लोगों में मस्ती, आप लोग अपने ही मूड में देखना, आप लोग अपने हिसाब से देखना, बाकी तो एंजॉयमेंट हमारा सेट पे चलते ही रहता है। तो अच्छा हो गया ना भाई? हाँ, काफी अच्छा हुआ यहाँ। ओके, लास्ट क्वेश्चन आई एम आस्किंग इन द इंटरव्यू, एज एन एक्टर यू नो द इंडस्ट्री हैज अ वेरी बैड हैबिट ऑफ स्टीरियोटाइपिंग, अब एक बार ही कर लिए तो दे आर गोइंग टू टाइप कास्ट ऑफ रोल्स एंड यू नो दैट टाइप ऑफ सीन्स, सो एज एन एक्टर एंड एन इंडिविजुअल हाउ मच रेडी आर यू टू से नो टू दोस वर्क्स इफ यू थिंक दैट दैट वर्क इज नॉट जस्टिफाइड टू योर टैलेंट? यू नो दिस इज लाइक द बिगेस्ट चैलेंज, लाइक बिफोर मी टेकिंग दिस अप दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट पॉपड इन माय हेड, कि वॉट इफ आई हैव दिस इमेज आफ्टर दिस, यू नो, एंड इट टेक्स इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इवन लाइक बिग एक्टर्स टू ब्रेक दैट इमेज वंस दे हैव डन समथिंग लाइक दैट, यू नो, एंड दे हैव बीन रियली स्ट्रगलिंग विद इट, बट देन आई थॉट कि उसको मेंटेन करना या ब्रेक करना है दैट इज़ अ चैलेंज, सो यू नो पहले जो हाथ में है जो मुझे एंड इट वॉज लाइक यू नो आई वॉन्ट टू डू समथिंग लाइक दिस बिकॉज आई ऑलवेज प्लेड बबली एंड चौपी कैरेक्टर्स यू नो बीट बू और एनीथिंग एल्स सो दिस सो यू नो सो आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट एंड इट वॉज लाइक इन माई बकेट लिस्ट यू नो कि एक बार ऐसा कुछ करना है जस्ट यू नो जस्ट लाइक फॉर एन एक्टर्स प्रोफाइल मे बी सो आई गॉट दिस इट्स लाइक वन ऑफ देयर टॉप शोज एंड वॉट बेटर देन ऑल्ट बालाजी आई गॉट दिस आई थॉट कि अभी अपॉर्चुनिटी है I have loved the story now, I will do it. और आगे उसको कैसे maintain करना है, break करना है, वो मुझ पर depend करता है, how do I take it forward? And you know, that's a challenge for me. But besides that, there's something else that I'm working on currently, which is so different, like it is poles apart, you know. So I'm very excited that this year, you know, I'm going to shock and surprise my audiences, like, you know, they're already shocked and surprised to see me in this avatar, you know, like sensuous. People always used to tell me, you are hot, but you're unaware of your hotness. You are sensuous, but I never believed them. But ab mujhe lagta hai, yes, after seeing Gandii Baat, I feel that I am classy and gracefully sensuous. Okay, yeah. So I think I've become more aware of myself. I think, you know, I do see myself that way now. So there are going to be already people who know me are surprised. But furthermore, what I'm doing, you know, what later is going to surprise them even more. So I think this year is going to be full of shocks and surprises for people. What about you? Yeah, exactly. And जैसा कि आपने question ये पूछा कि typecast industry में हो रहा है, मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये typecast वाली जो चीज़ है ये बहुत ही घटिया है इंडस्ट्री में. एक्टर को एक्टर की टैलेंट देख के ही काम देना चाहिए भाई. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर एक लड़की ने स्मूच या तो कुछ इंटीमेट सीन्स कर लिए किसी एपिसोड में या तो किसी प्लेटफॉर्म पे, सो बैक टू बैक कास्टिंग वाले, इवन क्रिएटिव, इवन प्रोड्यूसर, सभी लोग बैक टू बैक कॉल करते हैं, यार ये लड़की ने ना इसमें कुछ किया था, ये लड़की ने ना इसमें इंटीमेट सीन्स दिया था, इसको उसी के लिए कॉल करो, उसी के लिए बुलाओ. सो वो गलत है मेरे ख्याल से. प्रॉपर हर एक आर्टिस्ट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ इंटीमेट सीन्स ही करता है. बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनकी दाल रोटी की आज वाट लगी पड़ी हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टाइप कास्ट. मेरे ख्याल से अगर इस पे मैं कुछ बोलना चाहूँ तो ये टोटल गलत है. टाइप कास्ट जैसी कोई चीज़ इंडस्ट्री में होनी नहीं चाहिए, बिकॉज बहुत सारे आए दिनों एग्जांपल्स मिल रहे हैं कि ये लोग गिव अप कर रहे हैं इंडस्ट्री से. अच्छे खासे नोन एक्टर्स जो कि इंडस्ट्री में रह चुके हैं, काफ़ी अच्छे लेवल पे खेल चुके हैं, उनके एक्ट को पूरी दुनिया ने वाओ बोला है, उसके बाद भी वो आज इंडस्ट्री के पार्ट नहीं है. सो ये क्यों हो रहा है उसकी गहराई में जाके आई थिंक एक बार सोचना चाहिए. सो प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, एवरी प्रोड्यूसर, एवरी डायरेक्टर, एवरी क्रिएटिव टीम, एवरीवन, एवरी चैनल्स, कि अब प्लीज़ ये टाइप कास्ट जैसी चीज़ें दिमाग से निकाल के फेंक दो, बिकॉज ये चीज़ें होती नहीं है. एक्टर को एक बार उसके एक्ट के लिए अब बुलाओ, प्रॉपर जो स्टोरी है, जो आपका स्क्रिप्ट है, उस पर प्रॉपर ऑडिशन लो, लुक टेस्ट लो एंड मॉक शूट करो. अगर वो लड़की उसमें फिट होती है तो ही करो. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसने यार इंटीमेट सीन्स किया है उसको उसी के लिए बुलाएंगे, यार नहीं या नहीं उसे टेलीविजन में नहीं ले सकते, वो लड़की ने इसमें किया है. अगर भाई ऐसे ही था तो इंडस्ट्री में गलत चीज़ इन द सेंस जैसे कि आज लोग गलत बोलते हैं इंटीमेट सीन्स, यू नो, न्यूडिटी, ये सारी चीज़ें आनी ही नहीं चाहिए थी. अगर आप इतने क्लियर हो कि भाई अच्छा चीज़ बनाना है तो यार वो लड़की ने उसमें इंटीमेट किया उसको लेना ही नहीं. सो प्लीज़ इसे बाहर निकलो और थोड़ा थॉट प्रोसेस अपना बढ़ाओ और अच्छे एक्टर्स को अच्छे जगह पे मौका देते जाओ, क्योंकि अच्छे लोगों को ही दुनिया देखना चाहती है. और जितने भी अच्छे लोग हैं, लाइक विक्रांत मेसे को मैं बोलना चाहता हूँ, विक्रांत मेसे ने भी टीवी से ही अपनी जर्नी शुरू की है, लेकिन आज वो बंदा मीन्स आज वो बड़ी बड़ी फिल्में कर रहा है, दीपिका के अपोजिट काम कर रहा है और इतने झंडे गाड़ते जा रहे हैं आए दिनों एक्ट के मामले में कि शायद ही कोई टेलीविजन एक्टर आज तक किया हो. सुशांत सिंह राजपूत है, कितने सारे लोग हैं. तो टाइप कास्ट मत करो यार, दैट्स इट, मैं यही बोलना चाहता हूँ.
lastly, any message to the viewers ki ye season se kya story wise expect kar sakte hain, fans ko koi message dena chahe? हाँ या एग्जैक्टली मैं बस यही बोलना चाहता हूँ, गंदी बात सीज़न 4 बहुत ही धमाके से आ रहा है, तड़का और क्या तड़का मसाले के साथ आ रहा है सीज़न 4. सो सारे चारों एपिसोड आप देखो, बहुत मज़ा आएगा. आज 2 बजे इन द सेंस आई थिंक आ गया, इट्स ऑन एयर. सो हम भी एक्साइटेड हो गए अभी देखने के लिए क्या है, कैसा रिस्पॉन्स आएगा लोगों का. सो आप सभी देखो, अपना प्यार दो और इंटीमेट सीन्स आप देखो नो डाउट, लेकिन आप स्टोरी ज़रूर देखना, मैसेज देखना, मैसेज को पॉजिटिवली लेना, नेगेटिवली मत लेना. और हमें खूब ढेर सारा प्यार दो और हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि हमने कितना मेहनत किया है. ज़रा अच्छे कमेंट्स लिखना प्लीज़, ज़रा नास्टी. और यार उन लोगों को प्लीज़ मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यार, उन लोग आके ना मीन्स कॉमेंट ये ना करे कि ये मतलब ये प्लेटफॉर्म गंदा है ये. भाई अगर ऐसा है तो आप देखो ही मत ना, उसे देखो ही मत, कॉमेंट भी मत करो. आप देख के व्यूज भी बढ़ा रहे हो और आप बोल रहे हो कि गंदा भी है. सो प्लीज आप दूर रहो, मासी थिंग, इट्स अ मासी प्लेटफॉर्म. सो एंड एवरीबडी हु सेज के यू नो नहीं करना है नहीं देखना है, वो लोग ही सबसे ज्यादा ग्रुप्स में भेजते हैं, शेयर करते हैं, करते हैं, वो ही सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं. सो आई वुड जस्ट लाइक टू यू नो टेल माय व्यूअर्स के डू वॉच आवर शो गंदी बात 4 एंड आई होप यू लाइक इट एंड एंजॉय ठंडियों में गर्मी का एहसास. थैंक यू. हे हाय, दिस इज आशीष दीक्षित हियर. हाय गाइस, दिस इज सबा सौदागर एंड यू गाइस आर वॉचिंग अस ऑन ग्लिट्स Vision USA.